तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि संडे क्यों एने की वीडियो आएगी, तो ये वही वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हिम्मत एडिस का, और ये कह रहे हैं कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में आयरन मैन के कितने वेरिएंट होंगे। तो देखो, आपके इस क्वेश्चन का आंसर तो फिलहाल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के डायरेक्टर के पास भी नहीं होगा, और उसको एंड में ही बताया जाएगा, लेकिन हम आपके इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर एक बड़ी मूवी है, और इसमें हमें बहुत सारे सुपर हीरोज के वेरिएंट देखने को मिलेंगे, और हो सकता है हमें इसमें आयरन मैन के 3 से 4 वेरिएंट देखने को मिल जाए, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चांस सुपरहीरो आयरन मैन के है। और इसका सेंस भी बनता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इल्यूमिनाटी के मेंबरों में से एक मेंबर सुपरहीरो आयरन मैन भी था, जिसको टॉम क्रूज प्ले करने वाले थे, लेकिन शेड्यूल बिजी होने की वजह से ये रोल नहीं कर पाए। लेकिन अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमें पता डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में केएमयू का कबाड़ा किया था, और अब इसका सेंस बनता है क्योंकि इल्यूमिनाटी की टीम का बदला सुपरहीरो आयरन मैन ले सकता है। लेकिन फिलहाल ये थ्योरी की जो कि मैंने आपको बता दी, और अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो बादशाह खान पूछ रहे हैं कि अवेंजर किंग डायनेस्टी मूवी बड़ी है या अवेंजर सीक्रेट वॉर मूवी बड़ी है। तो देखो, मल्टीवर्स सागा की दोनों ही बड़ी मूवी है, अवेंजर किंग डायनेस्टी, अवेंजर सीक्रेट वॉर, और दोनों ही मूवी का टॉपिक भी अलग अलग है। जहां मैं अवेंजर किंग डायनेस्टी में किंग दिखाया जाएगा, तो वहीं हमें अवेंजर सीक्रेट वॉर में इनकर्जन दिखाए जाएंगे। लेकिन अवेंजर सीक्रेट वॉर एक बड़ा इवेंट है जो कि मल्टीवर्स सागा को खत्म करेगा। तो फिलहाल मेरे पास ये दो ही क्वेश्चन थे जिसके आंसर मैंने कर दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो अगले संडे को आएगी, जब तक के लिए नीचे कमेंट करें और इस 1000 सब्सक्राइबर के टारगेट को पूरा करें।